यानी कि ऐसे डिवाइस जो कि डिजाइन किए जाए सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करने की फॉर हिटिंग वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोलर कलेक्टर बोलते होते हैं या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं तो ये हमारे पास सोलर कलेक्टर होता है जो कि सन की जो रेडियशन होती है सोलर सोलर रेडियो होती है उनको कैप्चर करता है उनको स्टोर करता है हम उसको फर्दर यूज करते होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे हम बोलते होते है, है? तो, आ, अगर हम बात करेंट्रेट लाइट है यस जर्मनी आर्टिफिशियल सन मेड बाय जर्मनी लार्ज अमाउंट ऑफ जिससे लाइट एमिट होती है जो कि सोलर एनर्जी जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिस की प्रोडक्शन होती है मेड अप ऑफ ये आर्टिफिशियल इज मेड अप ऑफ प्रिज्म एंड ग्लासेस रिफ्लेक्ट द लाइट ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें सोर्स कलेक्टर्स की तो जो कलेक्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं कंसनट्रेटिंग एंड नॉन कंसनट्रेटिंग कुल ठीक है तो अगर हम इनको एक्सप्लेन करें सबसे पहले नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर की बात करें तो दीज आर द टाइप ऑफ कलेक्टर इन विच कलेक्टर एरिया इज सेम एज ऑब्जर्वर एरिया तो उसे हम बोलेंगे नॉन कंसनट्रेटिंगल में आ जाता है सोलर पैनल्स पैनलट्रेटिंग कलेक्टर की बात करें तो दीज आर द टाइप ऑफ कलेक्टर इन विच कलेक्टर एरिया इज नॉट सेम एज द ऑब्जर्वर एरिया और इसकी जोन सी एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आ जाता है फ्लैट पैनल कलेक्टर कलेक्टर सेल और उसके अलावा एवेक्टेड ट्यूब सिस्टम आ जाता है थर्मोडाइनामिक सोलर पैनल आ जाता है सोलर थर्मल एयर कलेक्टर आ जाता है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर आ जाता है पैराबोलिक डिश कलेक्टर आ जाता है और टावर कलेक्टर आ जाता है ठीक है नीचे हम पहले कंसंट्रेटेड कलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे फिर हम नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे अच्छा जी सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेटिंग सोलर पावर कंसंट्रेशन सोलर पावर फैसिलिटीज कंसंट्रेट द सनलाइट इनटू रिसीव इन व्हिच इट हीट अ हीट फ्लूइड दैट सबSEQUENTLY

आके पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है यहाँ पे सन से सोलर आके आ रही है ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या होगा जोन सी हीट होगी ये हमारे पास हीट एक्सचेंज चैम्बर लगा हुआ है ठीक है और आगे हमने सोलिड और हॉट का टैंक रखे हुए हैं ठीक है ये हमने सोलिड और हो, टैंक रखे हुए हैं अब ये जोन सी हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी सोलर रेडिएशन से इसको हम यूज करेंगे स्टीम जनरेट करने के लिए और ये जोन सी स्टीम होगी फर्दर ये टर्बाइन को रन करेगी और टर्बाइन को जब रन करेगी तो जनरेटर चलेगा जिससे क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ठीक है देन इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई किया जाएगा और देन हमें इसको घरों में इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है अब जब ये जो सा टर्बाइन से हमारे पास ये स्टीम कन्वर्ट हो रही थी तो स्टीम जोन सी है स्टीम कन्वर्टर के साथ हमने एक कंडेंसर लगाया हुआ है ठीक है कंडेंसर लगाया हुआ है कंडेंसर का काम क्या होता है कि वो जितनी भी एक्स्ट्रा हीट होती है उसको क्या करता है कूल cool करता है और सिस्टम को जो होता है वर्किंग एरिया में रखता है ठीक है तो दिस इज द वर्किंग ऑफ पैराबोलिक ट्रफ सोलर थर्मल सिस्टम अच्छा इसका जो टेम्परेचर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम दैट इज थ्री डिग्री सेल्सियस अच्छा जी नेक्स्ट जो हम सब डिस्कस करते हैं डेट इज पैराबोलिक डिश सोलर सिस्टम इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं सो हीट कंटेंट इसमें लो प्रोड्यूस होता है इसमें जो डेट इज टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तो अब अगर आप इसको डायग्रामेटिकली इसको अंडरस्टैंड करें तो इसमें जल्दी होता क्या तो बेसिकली ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं करेंट इज पैराबोलिक डिश सोलर थर्मल सिस्टम

रिफ्लेक्ट होके इस रिसीवर के पास जाते हैं तो ये इनको एमिट करता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और देन फिर हम इसको यूज करते होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पैराबोलिक डिश सोलर थर्मल सिस्टम अच्छा जो उसके बाद है सेंट्रल टावर सोलर सिस्टम इसको हम देखते हैं ठीक है सेंट्रल टावर सोलर थर्मल सिस्टम सेंट्रल टावर सोलर थर्मल सिस्टम इसके अंदर बेसिकली क्या होता है इसके अंदर हमने एक टावर यूज किया हुआ है ये अगर हम देखें ये हमारे पास एक तरह का टावर है ठीक है ये हमारे पास क्या है टावर है और यहाँ पे हेलियोस्टेट फील्ड है जहाँ पे ये जोन से होती हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं रिफ्लेक्ट होकर ये अच्छा ये जोन सा टावर है ना इस टावर के जो टॉप पे लगा हुआ है सोलर रिसीवर जो कि रेडियशन को क्या करता है कलेक्ट करता है कैप्चर करता है बेसिकली जब सन से रेडियेशन आती है इन पे जब स्ट्राइक करती है ठीक है तो यहां से रिफ्लेक्ट होके ये रिसीवर के पास जाती है रेडिएशन ठीक है ये इनको कैप्चर करता है और ये फिर यहाँ से हीट ट्रांसफर होती है ठीक है यहाँ पे पहले की तरह हमने सॉलिड और हॉट स्टोरी टैंक लगाए हुए ठीक है, है। यहाँ पे फिर जो होती है वो स्टीम जनरेट होती है ये जो स्टीम होती है फिर फीड होती है टर्बाइन को रन करती है और जिससे फिर जोन सी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जोन सी होती है वो प्रोड्यूस होती है अच्छा यहाँ पे आपने हीट रिजेक्शन लगाया हुआ है ठीक है यानी कि जो हीट रिजेक्ट होती है वो यहाँ से पास होती है और फीड वाटर करती है और इसको फिर आप दोबारा स्टीम बनाने के लिए यूज करते होते हैं तो इस तरह से ये सेंट्रल मोर हीट जनरेट होती है और इसका जो कितना अबाउट थाउजेंड डिग्रीचर वो इंक्रीज होता है होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टर्स कितने जितने नंबर ऑफ ज्यादा रिफ्लेक्टर होंगे उतनी ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होगी सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होंगी कैप्चर होंगी तो उस हिसाब से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसकी प्रोडक्शन होगी ठीक है अच्छा जी ये थे तो नॉन कंसनट्रेटिंग मैथड जो सनलाइट इसमें अब जो सबसे पहला मेथड है जोन से है जिसकी से हम इसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहला जोन सा मैथड है सनलाइट को यूज करने का डैट इज सोलर फोटो सेल सो इसकी जो डिस्कवरी नहीं होनी है बट डेवलपमेंट इसमें काफी ज्यादा आई है ठीक है एंड न्यूट टेक्नोलॉजी अब इसमें होता क्या है कि इसमें जोन सी सनलाइट जोन सी होती है

तो इट इज फास्टेस्ट फास्टेस्ट इमर्जिंग रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी तो एक ये भी एडवांटेज है कि ये रीनुएबल टेक्नोलॉजी यानी कि हम इसको इसमें रिसाइकल भी कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें सोलर सेल की तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो सोलर सेल बेसिकली जॉन्स होते हैं ये इसके अंदर स्मॉल यूनिट होते हैं जिनको हम बोलते होते हैं सेल्स ठीक है cells, तो इसमें जो सा मोस्ट कॉमन है जो सोलर साल का मटेरियल यूज होता है डेट इज सिलिकॉन सिलिकॉन जो सेमी कंडक्टर है एक तो दूसरा हमें ये इसका, इसका इस्तेमाल करने की वजह क्या है एक तो ये बहुत अच्छा सेमी कंडक्टर है दूसरा ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ तो सोलर सेल के अंदर हम क्रिस्टल यूज करते हैं सिलिकॉन के डैट इज सैंडविच बिटवीन कंडक्टिव लेयर ठीक है इसमें जो से होते हैं हम दो तरह के कंडक्शन करवाते होते हैं एक एन टाइप होती है दूसरी पी टाइप होती है तो एक सिलिकॉन जोन सा होता है वो चार चार्ट्रॉग बॉन्ड बनाता होता है विद इट्स नेबरिंग एटम्स ठीक है तो उसके अलावा इसके अंदर दो डिफरेंट लेयर लेन होती है एक एन टाइप सिलिकॉन होती है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड पी टाइप होती है जिसके पास एक्स्ट्रा होल्स होते हैं ठीक है और इसको हम पी जंक्शन बोलते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिंक्ड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स और इसको अरेंज किया जाता है एक पैनल के अंदर ठीक है तो इसको हम पैनल जोन होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल मोड्यूल से इंटरकनेक्टेड होते हैं सीरीज में और पैरेलल में दोनों में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं उसके अलावा अगर, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें सो तो सोलर सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय ग्लास टू तो प्रोवाइड सेफ्टी मेक इट अवे फ्रॉम डस्ट सो दिस इज ऑल अबाउट गोवाइड लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पी एन जंक्शन को डिस्कस करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज